हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स आरएसआर एंड यू आर वाचिंग आरएसआर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। तो भाई, पहली बात, यह वीडियो मेरे चैनल का सेकंड वीडियो, पहला वीडियो मैंने पूरी की ट्रेलर डाल रखी है। तो भाई, पूरी कहानी है क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज से 2 वीक पहले की बात है, डेट 8 जनवरी 2022। भाई उस दिन हम लोगों की रांची से पूरी की ट्रेन थी, और भाई उस दौरान मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब फीवर हो रखी थी, फीवर तो नहीं कह सकता हूँ बट गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखी थी, जिस कारण से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और ऐसे में मुझे बनाना था ब्लॉग, तो गाइज मैंने ब्लॉग तो बनाया ही, जैसे तैसे करके ब्लॉग बनाया, बस मुझसे कुछ नहीं बोल पाया। सो गाइज, जब मैंने घर आया, घर आकर वीडियो को एडिट किया, तो भाई वीडियो मतलब विदाउट साउंड का काफ़ी बोरिंग सा लग रहा था, तो ऐसे में मुझे वॉइस ओवर करनी ही पड़ती। तब जाकर मैंने वॉइस ओवर करी, वॉइस ओवर करने के बाद वीडियो में जान आ गई, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गई, देखने लायक बन गई। एंड गाइज, यह मेरा पहला एपिसोड है, इस एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने यात्रा की, सफ़र की, किस प्रकार से हम लोगों ने तरह तरह की काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखी। एंड गाइज, पूरी पहुँच कर पूरी बीच में काफ़ी मज़ा, काफ़ी इन्जॉयमेंट की, तो बस आप लोग भी अब आगे देखो। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह के बज रहे 7:30, सनराइज हो चुकी है और मैं भी उठ चुका हूँ। बाकी अभी चलता हूँ नीचे, जूता वगैरह पहनता हूँ, बाकी बाद आप लोगों को मैं नीचे जाकर नीचे का व्यू दिखाता हूँ। गाइज, नीचे ना मतलब चारों तरफ फोगी फोग हो रखी थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड था एंड सुबह सुबह का माहौल था, सड़कें भी काफ़ी सुनसान हो रखी थी। चाय टपरी में पहुंच चुका हूँ एंड मैं चाय वाले चचा से मांगा एक ज़बरदस्त कड़क वाला चाय। भाई ऐसा ठंडा में ना चाय पीने का एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही एहसास होता है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जाता है। तो भाई अब बैठ कर चुपचाप से चाय की मज़ा लेता हूँ। बाकी बहुत बहुत चाय पीने के बाद मैंने सुबह के समय की एक काफ़ी ज़बरदस्त सी टाइम लैप्स लेने के बाद मैं निकल पड़ा घर की ओर। घर की ओर जाने के दौरान सामने श्री शनिदेव भगवान की मंदिर मिली, भगवान के सामने मत्था टेक की एंड फिर धीरे धीरे वीडियोज बनाते बनाते मैं घर की ओर चल पड़ा। घर आकर कुछ देर बाद फिर हम लोग निकल पड़े शहर की ओर। भाई हम लोगों को कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, जिस कारण से हम लोग को जाना पड़ा। तो भाई आप लोग इस टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। सामने श्री राम भगवान की टेंपल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। हो माय फ्रो, जय शंकरा। एंड मॉल के पास पहुंच चुके थे, तो भाई अब इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमने कुछ कपड़े वगैरह देखे, पसंद की, कपड़े वगैरह को पैकिंग करवाई, देन हम लोग चल पड़े फिर वापस घर की ओर। एंड गाइज, समर हो या विंटर हो, भाई अपन को तो बूस्टर रिचार्ज चाहिए ही चाहिए, बूस्टर रिचार्ज प्लस चिल्ड वाली वाइब से बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो एनर्जी मिल चुकी है, बाकी बात अब आगे की तैयारी करते हैं। सो गाइज, लगभग टोटली हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है और हम लोग पूरी तरह से रेडी है निकलने के लिए, और हम लोगों को अपनी निर्धारित समय से थोड़ी जल्दी निकलनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अभी जैसे आप लोगों को मालूम ही होगा कि कोविड का माहौल है और कोविड की टेस्ट भी करानी पड़ सकती है, तो फिर हम लोग को जल्दी निकलनी पड़ेगी, तो फिर हम लोग अब निकलते हैं। सो गाइज, अब बारी थी नीचे जाने की, उधर ऑटो वाले भैया भी आ चुके थे एंड हम लोगों ने अपने सारे सामान को ऑटो में लोड की, फिर हम लोग निकल पड़े रेलवे स्टेशन के लिए। भाई उधर जाना, जल्दी जाना बहुत ज़रूरी है, क्या पता उधर कोरोना की टेस्ट भी हो सकती है, तो फिर उधर पहुंचने के बाद ही पता चलेगी। सो गाइज, फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं एंड गाइज हमारा साथ तो पोपट ही हो गया। अंदर आने के बाद पता चला कि इधर कोई कोरोना वोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा, तो अब टाइम पास करते हैं, क्योंकि 4 बजे ट्रेन छूटने वाली थी और अभी तक तो 4 बजी नहीं है, तो अब नज़ारा देखते हैं। वाह, वाटर टेम्पल, अब चलते हैं वापस। ओह गॉड ब्लेस यू। हे मैन, ओ भाई ये क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा मस्ती, भाई मालूम नहीं उस दिन किस बात को लेकर हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे।
इधर सायरन की आवाज के साथ और उधर हरी झंडे के साथ रेलगाड़ी भी अपनी मंजिल को तय करने के लिए निकल चुकी थी अपने तेज रफ्तार के साथ, तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी लिटरली गाइज। एंड इधर ना जाने भाई किस बात पर इतनी खुशी इतनी मस्ती हो रही थी। एंड मैं उधर जाकर अपने सीट पर बैठ चुका था और भाई बाहर का नज़ारा देखने लायक था। सनसेट का टाइम था और भाई सन काफ़ी ऑसम, काफ़ी कूल लग रहा था। इधर शाम की चाय के साथ हम एक स्टॉप पर उतरे, फिर वापस जाने के बाद उधर रात हो चुकी थी। तो भाई रात पे डिनर उनर करने के बाद ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो फिर अब भारी थी रात में सोने की। तो फिर भाई आपसे अब सुबह मिलते हैं। सुबह उठते ही भाई मेरे आँख के सामने एक ज़बरदस्त नज़ारा, ज़बरदस्त व्यू भाई, इतनी बड़ी नदी, बहुत ही ज़बरदस्त का व्यू। आर तक कटक पहुँच चुके थे एंड ट्रेन ने फिर से एक स्टॉप ली। स्टॉप लेने के बाद फिर से ट्रेन चल पड़ी और भाई ये क्या हो रहा है, डैट्स रियली गजब यार, गजब। सनराइज भी होने लगी थी और काफ़ी अच्छा व्यू था। एंड भाई ओ माई गॉड, ये क्या नज़ारा भाई, चारों तरफ सिर्फ फोग ही फोग, गजब का व्यू भाई, डैट्स रियली ऑसम। एंड इधर कोकोनट की ट्री काफ़ी ऑसम लग रही थी लिटरली। एंड और एक पड़ाव के बाद इधर एजेंट भी आ गए थे अपने बिजनेस पर्पज को लेकर। एंड गाइज इधर मैं खिड़की से बाहर सिर्फ काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारा को निहार रहा था भाई। कितने ऊँचे ऊँचे नारियल के पेड़ काफ़ी अच्छे लग रहे थे और भाई ये नज़ारा तो कातिलाना, काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत। एंड गाइज इधर समय भी हो चुकी थी और हम लोग पूरी पहुँचने वाले थे। सो गाइज फाइनली हम लोग पूरी पहुँच चुके हैं और यहाँ की धरती पर कदम रखते ही एक अलग एहसास, एक अलग ही मज़ा आने लगा। एंड भाई काफ़ी अच्छा लग रहा था और भाई सामने का नज़ारा देखो काफ़ी अच्छा, बिकॉज ऑफ आवर फ्लैग। और इधर हम लोगों ने ऑटो ली, अपनी सामान को रखी, फिर हम लोग निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की ओर। भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इधर एजेंट के लोग फिर से मिल गए अपने टूर्स ट्रेवल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और भाई सामने काफ़ी अच्छा मंदिर, वाह, बस पहुँचने ही वाले थे। ये देखिए सामने हमारा होटल। होटल से ऊपर की व्यू, दिस इज ए पूरी रियली लुकिंग ऑसम। एंड अब चलते हैं वापस अपने रूम की ओर। भाई रूम का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी बढ़िया लग रहा था। एंड विंडो से बाहर का भी व्यू काफ़ी अच्छा था। एंड इधर भाई वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी बढ़िया लग रहा था, काफ़ी साफ़ सुथरा था। एंड इधर वहाँ के लोग के व्यवहार भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से बात बात उन लोगों ने किए। भाई फिर इधर चाय आई, हम लोगों ने चाय की चुस्की ली, फिर भाई चुस्की लेते लेते काफ़ी थक चुके थे, ना जाने कब भाई सो पड़े हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पूरी पहुंच चुके हैं। यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा है और गाइस मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सुहाना सा है और होटल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हम लोग का होटल से बीच की दूरी भी बहुत नज़दीक है। सो गाइज हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, तो यहाँ पहुँचने के बाद होटल में कुछ देर तक रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद फिर से वापस उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह किए, फिर से हम लोग निकल पड़े बीच की ओर। तो सोकर उठने के बाद अब भारी थी बीच की ओर जाने की। बीच की ओर जाने के दौरान गाइज मैंने अपनी बहनों के साथ ढेर सारी बातें, ढेर सारी मस्ती की, खूब मस्ती की और बहुत सारी प्लानिंग की। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं अकेले नहीं आया हूँ, अपने परिवार के कुल 10 लोगों के साथ आया हुआ हूँ यहाँ घूमने के लिए। एंड सामने रेत ही रेत और काफ़ी अच्छा नज़ारा। गाइज रेत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखी थी, काफ़ी ज़्यादा गर्म। एंड गाइज फाइनली हम लोग बीच के पास पहुंच चुके थे और उधर से समुद्र से आती हुई लहर की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मधुर थी, सुनने लायक थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। एंड गाइज कोरोना के कारण ज़्यादा क्राउड नहीं हुई थी, बस लिमिटेड भीड़ थी। तो भाई जैसे आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा क्राउड नहीं हो रखी है। तो अब मैं अकेले मस्त मगन होकर सामने की नज़ारा को निहारने लगा क्योंकि सामने से आती हुई लहर काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो भाई अब भारी थी नहाने की, मैं आगे चल पड़ा नहाने के लिए भाई, बट मेरे साथ भाई मैं तो अचानक लहर देख के डर ही गया था।
फिर से हम लोग हिम्मत जुटाकर फिर चल पड़े नहाने के लिए, लेकिन सामने से बहुत बड़ी लहर को आते देखकर भाई हम लोग तो दौड़ पड़े वहां से। भाई काफी मजाक सा माहौल था वहां। गाइज मैं तो हूँ बड़ा नटखटी, तो फिर अपना नटखटी खाम से कैसे बजा सकता हूँ। तो फिर भाई वहाँ हो गया शुरू, बहुत ही ज़्यादा मस्ती हो रखी थी वहाँ पे भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी नहाने में लहर में, एंड काफ़ी बड़ी बड़ी लहर आ रही थी भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी। तो भाई अब हम लोग तो शुरू हो गए थे, अब तो बस सिर्फ हम लोग को करनी थी सिर्फ मस्ती मस्ती मस्ती। एंड भाई अब तो नहाने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन इधर ठंड भी लग रही थी और डर भी लग रहा था। और इधर भाई नहाते नहाते भाई मैं साइड में बहकर आ गया, और भाई देखिए मेरे साथ क्या हुआ भाई, अभी देख रहा आप लोग हंस पड़ेंगे भाई। इधर मैं फोटोग्राफर चचा से जाकर टकरा गया भाई, काफ़ी मजाकिया सा माहौल था इस समय। अब आप लोग देखिए भाई यहाँ के लोकल लोग किस प्रकार से इतनी खतरनाक टाइप से लहर आने के बावजूद यहाँ के लोग अपने नाव को समुद्र के ऊपर ले जाते हैं भाई। काफी कठिन कार्य है, काफी स्ट्रगल भरा काम होता है ये लोग का। एंड सामने से रेगिस्तान की जहाज पार हो रही थी, इसे देखने के बाद तो भाई मुझे इसकी सवारी करने की मन कर गई। तो फिर भाई अब फिर किस बात की, चलो इस पर चढ़ा जाए। इसमें चढ़ने के दौरान भाई ऐसा लग रहा था कि एक मंजिला इमारत में मैं चल रहा हूँ भाई। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के पास ऊँट पर बैठने के। भाई काफ़ी गजब का जानवर है, चलता भी बहुत हार्ड है, लिटरली गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, बट गाइज ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, और गाइस इधर देखो मेरे जेब से निकल क्या रही, ना जाने किधर से ये चीज़ आ गया भाई। ये लो आप लोगों के लिए नए साल की गिफ्ट, एंड ये भी लो। एंड भाई मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार समुद्र के पानी को टेस्ट करके देखा जाए भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा नमकीन है, हद से ज़्यादा भाई, बहुत ही ज़्यादा नमकीन लग रहा था। एंड भाई अब बारी थी वापस घर जाने की, बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे, तो फिर हम लोग चलते हैं अब घर पे, हम लोगों को आराम की ज़रूरत थी। तो फिर हम लोग पूरा परिवार घर की ओर चल पड़े, और भाई इधर जो कुछ अभी मैं लिख रहा हूँ इधर आप लोग थोड़ा सा प्यार बरसा दीजिएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने से मेरे अंदर का जोश और बढ़ेगा, मैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करूँगा, एंड मैं अपने सारे एफर्ट्स डाल दूंगा गाइज आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइज फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।